हेलो फ्रेंड्स, मैं राज शर्मा स्किल्स ऑटोमोबाइल के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम जिस गाड़ी पर काम कर रहे हैं वो हिंडई की कार है, और वैसे ये जो प्रोसीजर हम करने वाले हैं ये मोस्टली सभी कार में सेम प्रोसीजर है। प्रॉब्लम है कार का एयरबैग की लाइट आना। मैं आपको शो करता हूँ, मैं अगर गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ तो गाड़ी में एयरबैग की लाइट आती है। आई विल जस्ट शो यू, मैं इसे स्क्रीन को बड़ा करता हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा है, आपको एयरबैग की लाइट आ रही है यहाँ पर, ये वाली। तो ये एयरबैग की लाइट कंप्लीटली कंटिन्यूसली आती रहती है। तो इस केस में गाड़ी का प्रॉब्लम क्या है? गाड़ी का प्रॉब्लम है इस गाड़ी के अंदर इसका जो क्लॉक स्प्रिंग होता है वो खराब हो जाता है। आई विल जस्ट शो यू, क्लॉक स्प्रिंग इसके अंदर लगता है, ठीक है? और क्लॉक स्प्रिंग कैसा होता है आई विल जस्ट शो यू। बेटा क्लॉक स्प्रिंग देना, तो ये होता है क्लॉक स्प्रिंग, ये इसके अंदर लगता है, ये देखिए इसके अंदर क्या होता है, वायरिंग है इसके अंदर पूरा, और जिसमें अपना हॉर्न का और एयरबैग का जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो इसी के थ्रू इसको मिलता है। ये रोटेट करता रहता है जब भी हम स्टेयरिंग घुमाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। सो इसके अंदर क्या होता है, क्लॉक स्प्रिंग जो होता है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से ये एयरबैग की लाइट आती है। तो इन केस अगर कभी भी ऐसा इशू आए कि क्लॉक स्प्रिंग जो है वो ख़राब हो गया और एयरबैग की लाइट आ रही है, तो उस केस में आपको सिर्फ अपना ये क्लॉक स्प्रिंग चेंज करना है। एंड क्लॉक स्प्रिंग चेंज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको प्रोसीजर बताया था, बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसीजर नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। सो हम शुरू करते हैं इसका क्लॉक स्प्रिंग चेंज करना है। सो क्लॉक स्प्रिंग के लिए हमें इसका एक साइड से यहाँ पर स्क्रू होता है, वो स्क्रू खोलना होता है, एंड सेम लेफ्ट साइड से भी एक स्क्रू होता है, वो भी खोलना होता है, जिससे एक स्क्रू यहाँ पर है, यहाँ पर लगता है, ये देखिए। इसी तरीके से इसके अपोजिट साइड में भी सेम एक स्क्रू होता है जो हमें खोलना पड़ता है। सभी खोल देते हैं, उसके बाद ये जो हमारा एयरबैग है ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए बड़े ही आराम से बाहर आ जाता है। यहाँ से इस पिन से इसको डिसकनेक्ट करना होता है ऐसे, तो एयरबैग हमारा बाहर निकल जाता है। उसके बाद जो आपको करना है, आपको ये खोलना है जो हमारा स्टीयरिंग व्हील जो होता है, ये अभी स्टीयरिंग व्हील खोल देंगे, उसके बाद फिर हमें क्लॉक स्प्रिंग लगाना है। कभी भी अगर ये खोलते हैं जरा ध्यान से, अभी जैसे यहाँ से हॉर्न की क्लिप है ये आपको निकालनी होगी, उसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे हल्का सा मारेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। एंड इसमें एक वॉशर रहता है, जस्ट मेक श्योर कि आप इस वॉशर को संभाल के रखें, मिस ना हो। उसके बाद हम इसको निकाल देंगे, यहाँ पर कनेक्शन होते हैं, ये जो पिन है ये क्लॉक स्प्रिंग के अंदर जाती है, और यहाँ से क्लॉक स्प्रिंग से जो वायर आता है ये आपका अंदर जाएगा और हॉर्न के लिए काम आता है। ये हम हटा देते हैं, और इसका जो पुराने वाला क्लॉक स्प्रिंग है अभी हम वो निकाल देंगे। इसके लिए हमें यहाँ के जो दो स्क्रू होते हैं वो प्लस वाले स्क्रू ड्राइवर से वो खोलने होते हैं। बहुत ही इजी प्रोसीजर है, विच इज़ DIY, आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये कवर जो है थोड़ा आराम से निकालना ताकि इसके जो लॉक होते हैं वो टूटे ना। ये देखिए यहाँ पर लॉक होते हैं इसके, ये अलग हो जाएंगे लॉक, ये अलग हो गया। अभी यहाँ से हमें क्लॉक स्प्रिंग बाहर निकालना है। क्लॉक स्प्रिंग निकालने के लिए यहाँ पर लॉक है, ये वाले लॉक होते हैं, इसको थोड़ा नीचे की तरफ पुश करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ होता है, ये देखिए, और एक ऊपर है, ये हमारा क्लॉक स्प्रिंग बाहर आ गया। यहाँ पे जो कनेक्शन होते हैं वो आराम से निकालने हैं, शॉकेट होते हैं, पिन दबाकर आपको
बाहर निकालना पड़ेगा। ये देखिए, इसको खींचकर ये वाला सॉकेट बाहर आ गया, देन इसको भी दबाकर बाहर आ गया। तो ये हमारा पुराना क्लॉक स्प्रिंग है, नया क्लॉक स्प्रिंग लगा दें। ये हमारा पुराने वाला क्लॉक स्प्रिंग है, ये हटा देते हैं, ये लगा देते हैं। सो पहले आपको सॉकेट जो है वो सॉकेट लगा लेना है। सॉकेट को हमेशा पुश करना अच्छे से और क्लिक करके आवाज़ आनी चाहिए, तो समझ जाएंगे कि सॉकेट अच्छे से फिट हो गया है। अब इसको हम लगा देते हैं वापस, ये जो लॉक हैं अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। ये देखिए तीन लॉक हैं, तीनों बैठ जाते हैं। अभी हमें वापस से ये जो इसका फिटिंग है वो पूरा फिटिंग कर देना है। ये लॉक अच्छे से बैठाकर दो स्क्रू लगाने हैं। स्क्रू वगैरह जब भी अगर आप खोलते हैं तो जस्ट मेक श्योर कि वो सारे स्क्रू आप संभाल के रखिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों से गलती होती है कि स्क्रू खोल तो देते हैं, बाद में ढूंढना पड़ता है कि कौन से स्क्रू कहाँ पर रखें। एंड थोड़ा ध्यान रखें कौन से स्क्रू कहाँ से खोले हैं आपने। सो ये लग गए स्क्रू, अभी हम इसका बाकी का जो सिस्टम है वो लगा देते हैं। इसका स्टेयरिंग है, एंड जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप लगा रहे हैं क्लॉक स्प्रिंग को तो आपका जो स्टेयरिंग जो होता है वो सीधा हो, व्हील जो है आपके वो सीधे हो। यहाँ पर जो है ये सॉकेट लग जाएगा ऐसे, और अब हम इसको फिट कर देते हैं। यहाँ पे हॉर्न का जो क्लिप है वो लगा देते हैं। ये इसका वॉशर है, ये लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जो वॉशर है ये इस टाइप का वॉशर होता है कि जब आप इसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार ये वॉशर, एक्चुअली इस वॉशर की क्वालिटी क्या होती है। ये वॉशर को जब हम नट लगा देते हैं तो ये हार्ड कर देता है। चलिए मैं आपको बिना निकाले दिखाता हूँ, ये आपको कट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जब हम इसको नट को टाइट करेंगे अच्छे से तो ये अंदर की तरफ प्रेस होगा, और जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनती है। इस वॉशर की ये खासियत है, काफ़ी थिक होता है ये और काफ़ी स्ट्रांग भी होता है। तो अभी हमें टाइट कर देना है। टाइट जो है वो अच्छे से करना है, फुल टाइट करना है, क्योंकि अगर आपने लूज छोड़ दिया सो पॉसिबल है कि वो अपनी जगह से निकल जाए थोड़ा। हालांकि इतना जल्दी निकलता नहीं है, बट फिर भी आप इसको अच्छे से टाइट कर लें, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद हम ये जो सॉकेट्स हैं इसके एयरबैग के, ये एयरबैग का सॉकेट है, ये लगा देते हैं। इसकी जो पिन होती हैं ये देखिए, जस्ट मेक श्योर कि पिन किस पोजीशन पे लगी है उसी पोजीशन में आपको इसको फिट कर देना है। खाली अगर इस सॉकेट को घुमाएंगे तो भी आपको आइडिया लग जाएगा। ये हो गया, उसके बाद इस लॉक को प्रेस करना है। यस, अब ये प्रॉपर तरीके से लॉक हो चुका है। उसके बाद हमें वापस से वही प्रोसीजर फॉलो करना है, इसको लगाना है थोड़ा दबाकर, जो हमने यहाँ से साइड से स्क्रू खोले थे वो सब स्क्रूज को हमें वापस से टाइट कर देना है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड से, दो ही हैं इसमें। और एयरबैग निकालने का हर गाड़ी के अपने अलग अलग प्रोसीजर होते हैं, कुछ कार में इस तरीके से स्क्रू नहीं दिए होते हैं, जैसे स्कोडा वगैरह अगर हम देखते हैं उसमें उन्होंने पिन दिए हुए हैं, तो आपको एक स्क्रू ड्राइवर से पिन को पुश करना होता है और एयरबैग बाहर आ जाता है। ये देखिए स्कूटी अच्छे से टाइट कीजिए, क्योंकि अच्छे से टाइट करेंगे तो माल फंक्शन के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं, लेकिन इतनी भी ज्यादा ताकत ना लगाएं कि टूट जाए। तो अच्छे से टाइट करके फिर हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि एयरबैग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ये जो क्लॉक स्प्रिंग है, जैसे इस गाड़ी का भी हमने मंगाया है, तो इसका जो ओरिजिनल क्लॉक स्प्रिंग था उसका प्राइस कुछ अराउंड 1700 रुपीज शायद कुछ था इसका प्राइस, या 1900 इसके आसपास ही आता है क्लॉक स्प्रिंग जो होता है। कुछ गाड़ियों में
थोड़ा ज़्यादा आता है, 3-4 हज़ार तक भी आता है, कुछ का 1100-1200 रुपये का भी आता है। तो अभी हम इसको गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। हम गाड़ी के अंदर जाते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। एयरबैग की लाइट वो चली गई है, ना ही मैंने कोई स्कैनर यूज किया ना ही कुछ, लेकिन जो हमारी लाइट है वो चली गई है। फ्रेंकली स्पीकिंग क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में कार के अंदर जब एरर लाइट्स आती हैं और उस एरर लाइट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्कैन करते हैं, बट आई बिलीव कि काफी सारे एरर ऐसे होते हैं कार के अंदर कि अगर आप स्कैनिंग ना भी करें लेकिन अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर देते, जैसे अभी एयरबैग का जो प्रॉब्लम था मैंने सॉल्व कर दिया, मुझे स्कैनिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि क्या होता है कार को भी अपने आप आइडेंटिफिकेशन होता रहता है उसको कि ये प्रोडक्ट खराब था ये रिप्लेस कर दिया गया है, और पूरा खेल है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होने का, इनपुट और आउटपुट। जब ये दोनों चीजें मिलती रहती है ECM को या BCM को या अपने एयरबैग मॉड्यूल को, तो वो लाइट ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है, और वो शो इसलिए करता है क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से आसानी से हम इस प्रॉब्लम का सलूशन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन इशू है एयरबैग की लाइट आ जाना। अगर कभी भी एयरबैग की लाइट आए, मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रॉब्लम आता है वो आता है क्लॉक स्प्रिंग का। ये DIY आप इजीली खुद कर सकते हैं, आप अपना एक क्लॉक स्प्रिंग जो है वो बाय कीजिए और वो फिटिंग कर दीजिए इजी, और आपको स्कैनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके एयरबैग की जो लाइट है वो चली जाएगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन लोगों के पास कार हैं, एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं और काफ़ी सारी वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा आप लोगों के लिए, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। आप इन वीडियोज़ के थ्रू काफ़ी सारा वक्त काफी पैसा बचा सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।